पूर्व निर्धारित कार्यसारिणी अनुजाई आज बैठक दिन दसटा बेले मंदिर पुरी जगन्नाथ मंदिर बैठकखाना अनुषित है। मोटामोटी समस्त प्राय अधिकांश सदस्य उपस्थित थे, जड़े दिज कि आसीपार ना तेब सभारे पूर्व दिन दिग निर्देश विषय आलोचना करागला। 6 तारीख रे जो मीटिंग होता तार कार्यसारिणी प्रस्तुत हो दस्खत होबारे राति होगला। 7 तारीख दिन रथयात्रा, 8 तारीख दिन मध्य रथयात्रा, तेणु आमर जो बिवरणी ड्र कराई से बिवरणी मैनेजमेंट कमिटी पाखे पहुँचवा संभव हलानी। बिवरणी संपूर्ण दस्खत आज सरला सका मीटिंग आरंभ पूर्व से बिवरणी कॉपी मैनेजमेंट कमिटी को दिगला। आज बिवरणी रे पूर्व डिस्कशन रु आम आगक गलु, आज जेहेतु पूर्व बिवरणी सरकार को मैनेजिंग कमिटी को दिहपारे रूल 6 अनुजाई नियम कहूँ आम बिवरणी मैनेजमेंट को देले मैनेजमेंट कमिटी तार मीटिंग डाक। मैनेजमेंट कमिटी से प्रपोजल सरकार को पठेब, सरकार का निर्देश आसिले ही रत्नभंडार खोला ही पारिबो। या सांगरे आ गोटे कोण भी थिला एसओपी मध्य सजेसन आम उपर दायित्व दि जाइए। एसओपी सजेसन आम दबू देले सेटा मैनेजमेंट कमिटी ताको पठेबे सरकार पाखक, और जदि आउ किछ ऐड करिवार थाए ताको करिके पठेबे सेटा सरकार अप्रूव हबा मध्य आवश्यक रही। तेणु आज विस्तृत विचार करागला एसओपी उपरे एवं सर्वसम्मति क्रमे 14 तारीख रे ताला खोला जीव रत्नभंडार भीतर रत्नभंडार ताला खोला जीव बोली सर्वसम्मति क्रमे सरकार को अनुरोध करिबा पई निष्पत्ति नियागला। प्रोसीडिंग अकॉर्डिंगली ड्र करा जाइछि। चाबी खाली खोला जीवनी, चाबी खोला जीव जेकोसी मत खोल ये निष्पत्ति तत्संगे तत्संक्रांत आवश्यक एसओपी आम ड्र कर विभिन्न प्रकार कार्यक्रम रही, तेणु विभिन्न प्रकार एसओपी ड्र कर आम संपूर्ण एवं सहमति समस्त सहमति फाइनली डिसाइड कलु चाबी थाउ जो चाबी अच्छी से चाबी रे खोलु न खोलु जे जे कोनसी प्रकार रे आम से दिन ताला सरकार जदि 14 तारीख को अप्रूव करदेवे आम से दिन ताला खोलू एवं ता संक्रांत जो आग को काम अच्छी संपत्तिर सुरक्षा प्रथम कर्तव्य सुरक्षा नवा संगे संगे दुईटा दिग को कार्य आरंभ हम से संक्रांत कि से दुईटा दिग है गोटे घंटी मंटी गोटे रिपेयरिंग उभय काम आम कि एसओपी देचु। तेणु आशा करवा समय आम दे सरकार को मैनेजिंग कमिटी को एवं सरकार को इतिमदे प्राय 4-5 दिन समय मिल आशा करवा सरकार आमको भितर अनुमति प्रदान करदे। जो आप भर खोल प्रथमे मराम देखु डेजिग्नेटेड प्लेस सिलेक्ट डेजिग्नेटेड प्लेस रे गहना ताकू शेड्यूल वाइज रखा जीवो। गहना 3 प्रकार अच्छी आपण मैंने ना अधिक जानी रेकर्ड ऑफ राइट रे मेंटेन होती गोटे सर्वकालीन अव्यवहार गहना गोटे सर्वकालीन व्यवहार गहना गोटे रीतिनीति दिन व्यवहार गहना तेनाली आइडेंटिफाइड प्लेस मैनेजमेंट को कहुई से मैंने आपातत तो रूम स्थिर करेणु से रूम को प्रथम तो सिफ्ट करा जीवो। गणति प्रक्रिया गोटे लंबा प्रक्रिया गणतिटा खाली आम बसिक देखीदे गणति करें जाणी दरकार गणतिपाई चिन्ह लोकर आवश्यक गणतिपाई
କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ ଯିଏକି ସେ ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ ନୀଳାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗହଣା କୁ ରାଜା ମହଲ 1500 ବର୍ଷ ତଳର ବି ଗହଣା ରହିଛି, ସେ ପଥର ତ ଆଜି ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଜିର ଗଣିଆ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗଣିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହେବ, ଗୋଟେ ମେଟରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହେବ, ଏସବୁ ସିଲେକ୍ସନ ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କର। ଆମେ ଏସ୍ଓପି ରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ। ଆଜି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେହେତୁ 6 ତାରିଖରେ ମିଟିଂ ବସି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମିଟିଂ 9 ତାରିଖ ହେଲା ଏବଂ ମିଟିଂର ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ଦସ୍ତଖତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବାହାରୁ ସଦସ୍ୟ ଅନେକ ବାହାରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲାନି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର, କଲେକ୍ଟର, ଏସ୍ପି ସବୁ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ, ରଥଯାତ୍ରା କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଚାବିକୁ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେନ ତେଣ ଭାବରେ ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲୁ, ଚାବି କାମ କରୁ ନ କରୁ ଖୋଲାଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଇପାରିବନି ମନ୍ଦିରର, ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହିଁ ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେବ। ସାର୍, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ମରାମତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣତିଟା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାହାରକୁ କାଢିବେ, ମରାମତି ଭିତରେ ବି ହେବ, ମଣତି ସହିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ ନା ନାହିଁ? ଖାଲି ମଣତି ଯା 78 ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମାନେ ଦାମ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବୁ? ଆମେ ଯିବୁ କିଛିଟା କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନେଚର ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଅଛି ନା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଅଛି ନା, ହୀରାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ କ୍ୟାରେଟ୍ ଥାଏ ସେଇ କ୍ୟାରେଟ୍ର କ'ଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବୁ, ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଯାହା ଲାଗିଛି ତାର ନେଚର କ'ଣ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଉପରେ ସେମିତି ଆଜି ଲିମିଟ୍ କରିହେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବି ଲିମିଟ୍ ହେଇନଥିଲା ଯେ ଏତିକି ଦିନରେ କରାଯିବ, ୟାର ଗୁଡ଼େ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ରହିଛି। ସରକାର ଆଗେ ସେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ କି ଆମେ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ଟିମ୍ ସବୁ ହେବା ଦରକାର, ସେ ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଏଠି ଦୋକାନ ବଜାର ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ପଇସା ଦେଇ କିଣିଦେଇ ଆଣିବା? ତେଣୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଟିମ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ସେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଭରସା ଥିବା ଦରକାର, କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ଲୋକ, କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଲୋକ ଆଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, କାମ ତ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତରବର କାହିଁକି? ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥିର କରୁଛୁ। ନାଇଁ, ସେ ତଥ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଟିଂର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପଚାରିଲେ ବହୁତ ବିଶିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇସାରିଛି। ଏସ୍ଓପିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରପୋଜାଲ ଷ୍ଟେଜରେ, ତେଣୁ ପ୍ରପୋଜାଲଟାକୁ କେବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଦୀର୍ଘକୋଣ ପରୀକ୍ଷା କରିଛୁ, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଗହଣା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତାମତ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ନିଆ ହେଇକରି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଲାଇନ୍ କରିଛୁ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ଼୍ କରିଛୁ, ଏରିଆ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ଼୍ କରିଛୁ, କ'ଣ କାମ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ଼୍ କରିଛୁ, ପ୍ରପୋଜାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ସରକାର ତାକୁ ପ୍ରପୋଜାଲଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଗୋଟେ କଥା, ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଘର ୱାପସ୍ ଆସିଯାଇଥିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ୟାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଆଲୋଚନା କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ରୀତିକାନ୍ତିରେ ବାଧା ଆସିବ ନାହିଁ କି ଭକ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଯେମିତି ବାଧା ଉପୁଜିବନି, ଏ ନେଇକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସରକାରଙ୍କୁ, ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିକୁ କିଛି ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛୁ। ଆଗମନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା କିଛି ଆସିପାରେ? ଆସିବ, ଆମେ ତେଣୁ ଆଶା କରିବୁ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଟି ଗଣତି କାମ ହେବ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ମରାମତି ହେବ ସେ ସମୟରେ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଆମକୁ କୋପରେଟ୍ କରିବେ, ଦର୍ଶନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶନ ଟିକେ ହୁଏତ ଦୂରରୁ ହେଇପାରେ ସେ ସମୟରେ, ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ,
ସେମାନେ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ କେମିତି ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ କାମ ସାରିବୁ ସେମାନେ ପୁଣି ପୁନଃଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। रत्नभंडार खोलिबा नै गठन करा जायथिबा कमिटीर आज बसिथिला द्वितीय बैठक एवं द्वितीय बैठक रे कोन सब निष्पत्ति दिया जायछि तारो प्रतिक्रिया आपण माने सुनुथिले एवं सबुठु बड़ खबर होउछि 14 तारीख रे रत्नभंडार खोलिबा पई ए कमिटी प्रस्ताव देइछि एवं ए प्रस्ताव वर्तमान श्रीमंदिर प्रशासन कमिटी पाखरे आलोचना हेबो एवं सरकार को कुहा जिवो अर्थात जदि सरकार अनुमति दियंती ताहेले 14 तारीख रे रत्नभंडार खोलिबा पई जाउछि ए कथा स्पष्ट जेतेबेले कमिटी उपरे समस्तंकर नजर रहिथिला एवं कमिटी रे कोन सब रत्नभंडार प्रसंग रे आलोचना होउछि बा कोन सब पदक्षेप निपे से संक्रांत में समस्त अपेक्षा रही है और किसी समय तेज़ बसी बैठक वर्तमान शेष हो बैठक पर आप प्रतिक्रिया सीधा सड़ख शुणुते किभली भाव में रत्नभंडार खोल से नहीं एक एसओपी प्रस्तुत करेतु एसओपी वर्तमान प्रारंभिक अवस्था अच्छी तेणु जनसाधारण को जनवा उचित नुहे एक कमिटी पक्षर कमस्तर नजर रत कमिटी पूरा प्रस्तुत बा प्रस्तुति आरंभ करुच्छी कि 14 तारीख में रत्नभंडार खोलिबापाई एवं एने सरकार को प्रस्ताव दिजिव एवं सरकार जदि सहमति प्रकाश करती एवं अनुमति दियंती ताहले 14 तारीख में रत्नभंडार खोलिबा निश्चित कारण जदि चाबी प्रसंग उठुथिला जदि चाबी न मिले बा कोनोसी प्रकार खराब परिस्थिति भी सृष्टि हुए ताहले रत्नभंडार खोल आवश्यकता रही एक कहि कमिटी और कमिटी पक्षर कहु कि 14 तारीख में जमीती हेले रत्नभंडार खोल जदि सरकार अनुमति दियंती तेणु समस्त नजर वर्तमान सरकार ए दिगरे कौन पदक्षेप नौचंती एवं वास्तव में 14 तारीख रत्नभंडार खोलिबा अनुमति दौंती कि तेणु राज्यवासी जो खबर उपरे अपेक्षा रही जो कमिटी बैठक उपरे समस्त नजर रही वर्तमान रत्नभंडार खोलिबा जो कमिटी गठन करा से कमिटर आज थिला द्वितीय बैठक और द्वितीय बैठक आम देखिले लंबा समय धरी बसीथिला पाखापाखी 20 जन प्रतिनिधि एथिरे अंशग्रहण करथिले रत्नभंडार केबे खोलिबा किभली भावरे खोलिबा तापाई एसओपी कौन हो पारे ए दिगरे विस्तृत भाव में आलोचना होई किंतु कमिटी पक्षर सबु कथा जेतु वर्तमान प्रारंभिक अवस्था रही तेणु सबु कथा जनसाधारण निमन्ते कुहा जाई नाही किंतु 14 तारीख दिन रत्नभंडार खोलिबा प्रस्ताव दिया जिवो जो पहले तय हुआ था उसमें भी इसके विषय में भी पूरा विस्तृत चर्चा हुआ। आनंद की बात है कि सब मेंबर जो उपस्थित थे सब अपना अपना वक्तव्य रखा, उसको सब तर्जमा करने का बाद हम लोग तीन बात पर उपनीत हुए आज का रिजोल्यूशन में। एक तो पहले डेट फिक्स हम सरकार को अभी अनुरोध कर रहे हैं 14 तारीख को खोलने के लिए सरकार हमको अनुमति दे, क्योंकि सेक्शन 6 के रूल 6 के प्रावधान के अनुसार सरकार का अनुमति खोलने के लिए चाहिए और उसमें भी निष्पत्ति हो गया है। चाबी उस दिन हमारे पास आएगा, चाबी में खोलेगा नहीं खोलेगा जैसे भी हो उसको खोला जाएगा। उसी दिन ही हम सामान को शिफ्ट करेंगे, सामान शिफ्टिंग के लिए भी मैनेजमेंट कमिटी ने डिसीजन ले रहा है, उनका आइडेंटिफाइड टेम्पररी रत्न भंडार वो बना रहे हैं, उसी का अंदर गर्भगृह का अंदर में ही बन रहा है, उसी में हम आइडेंटिफाइड आर्टिकल्स रखेंगे, यूज़ के हिसाब पर हम रखेंगे और उसके बाद मरम्मत का काम भी शुरू होगा। एएसआई टीम भी तैयार रहेंगे, अभी हमने इसे ये जो काम होगा गंती मंती का काम होगा, ताला टूटने का काम खोलने का या टूटने का काम होगा, इसलिए सब एसओपी का अप्रूवल गवर्नमेंट से चाहिए, इसलिए हम लोग ड्राफ्ट एसओपी हम दे रहे हैं हमारा विवरणी में आज उसको भेज रहे हैं हम मैनेजमेंट कमेटी को। आशा करते हैं मैनेजमेंट कमेटी यथाशीघ्र अपना मीटिंग मैनेजमेंट कमेटी का मीटिंग बुलाएगा और मीटिंग बुला के हमारा जो हम तथ्य रखे हैं हमारा जो आवश्यकता हम रखे हैं उसको वो बहुत जल्दी अपना नियम अपना नीति करके वो डिसीजन को सरकार को भेजेंगे और सरकार से अनुमति इसी बीच में प्राप्त हो जाएगा, हमको ये विश्वास है। देखिए काउंटिंग वैल्यूएशन में भी उसका बहुत लंबा प्रोसेस है। टाइम विश्वनाथ रथन को प्रतिक्रिया
14 तारीख दिन रत्नभंडार खोलिबा नै सरकार को प्रस्ताव दिया जिवो एवं एने कमिटी पक्षरु विस्तृत भाव में आलोचना होईची। एसओपी किभली रहिबो बा एसओपी कौन रहिबो, रत्नभंडार खोलिबा समय के उपस्थित रहिबे, तार पूरा प्रक्रिया कौन हेबो, ए संपर्क में एक प्रारंभिक एसओपी करा जाईची एवं 14 तारीख दिन रत्नभंडार खोलिबा पई सरकार को प्रस्ताव दिया जिवो। जदि सरकार अनुमति दियंती ताहेले 14 तारीख दिन रत्नभंडार खोलिबारे आउ कोनोसी समस्या नाही, एक कथा जस्टिस विश्वनाथ रथ कहिसेंती एवं ता सहित कहिसेंती चाबी कुबा रत्नभंडार चाबी को नहीं जो कथा उठूला जहाँ चर्चा होता ताद सत हुए चाबी जदि न मिले कौन अवस्था सृष्टि हुए ता रत्नभंडार निहाती खोल तेणु समस्त नजर वर्तमान सरकार आभिमुख्य कौन, कारण राज्य सरकार वर्तमान भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वाधीन सरकार जितेबाला निर्वाचन पूर्व एक कही आसूला घोषणा करूला और सरकार को आसवापर मैं देखुचे तत्परता प्रकाश कर सरकार तेणु आशा करें कमिटी पक्षर जो 14 तारीख दिन रत्नभंडार खोलने प्रस्ताव दि जा सरकार ग्रहण विभिन्न दिग को नहीं आलोचना समीक्षा करने निष्पत्ति नहीं पारती और 14 तारीख दिन रत्नभंडार खोलने हुए तो सरकार गोटे प्रकार प्रस्ताव दे पारती अनुमति दे पारती तेणु ए प्रस्ताव जितेबाला सरकार को दिजाता समस्त नजर रही सरकार आभिमुख्य कौन हे कि आज आम जितेबाला देखुले रत्नभंडार खोलने नहीं जो कमिटी गठन कर द्वितीय बैठक प्रथम बैठक में विभिन्न प्रसंग में आलोचना करवरणी प्रकाश करर्थात श्रीमंदिर परिचालना कमिटी को प्रदान कर से जगार अर्थात प्रथम बैठक में जो सब कथा आलोचना होता से कथा उपर आज आलोचना होती तेणु 14 तारीख कमिटी पक्षर वर्तमान खोलिबापाई रत्नभंडार खोलिबापाई प्रस्ताव दिया जाइछि। मो सहयोगी बिभु प्रसाद रहउछंती सेभली पुरी रु आम सहित आम प्रतिनिधि अक्षय मिश्र मध्य जोडुछंती। बिभु प्रसाद आम अक्षयंकर प्रतिक्रिया नबा किंतु ता पूर्वरु आम जो प्रतिक्रिया शुणुथिले एथिरु स्पष्ट अनुमान कि कमिटी वर्तमान पूरा प्रस्तुत 14 तारीख पई प्रस्ताव दिया जाउछि, जदि सरकार अनुमति दियंती ताहेले रत्नभंडार खोलिबारे आउ कोनोसी बाधक नाही। खबर गोटे पूरा सारा राज्य ओडिशावासी बहुत बड़ा खबर जो प्रतीक्षार अंत घटा कहुपे जदि जुलाई 14 जदि खोलियापाई प्रस्ताव दिया जाइछि ताले गोटे मात्र पहाच बाकी अच्छी कारण ए जो जांच कमिटी होउछंती गोटे सरकार गोटे जो कमिटी कर गुरुत्वपूर्ण कमिटी पाखापाखि कहले कमिटर निष्पत्ति को एक प्रकार चूड़ांत निष्पत्ति धरा जापे केवल आईन विभाग अनुमोदन दरकार जो कथा कही कमिटी जे आम जो प्रस्ताव दे 14 तारीख पर खाली सरकार अनुमति दरकार अनुमोदन दरकार तेणु कमिटर जहाँ आभिमुख्य आपड़ शुद्ध जस्टिस विश्वनाथ रथ जहाँ कहते प्रति कथार गोटे कथा प्रतिफलन होेकोसी परिस्थिति रे बा जे कोनोसी स्थिति रे रत्नभंडार खोल अर्थात से कहवाक चाहते जो कथा कहला चाबी कि नौ जो द्वंद रही जो सस्पेन्स रही से एक भी स्पष्ट चाबी थाउ कि न था रत्नभंडार खोल अर्थात जो कथा प्रथम बैठक जस्टिस विश्वनाथ रथ कहते जदि चाबी न मिले ताहले चाबी भंगा जीव तेणु यू गोटे संकेत मिलू चाबी की नहीं जो आउला जो प्रतबंधक जो बाधा कथा कहला जो डुप्लिकेट चाबी कथा कहला से कौन से मतलब ना से कौन से उद्देश्य ना तेणु कमिटर उद्देश्य एक प्रकार स्पष्ट जो रत्नभंडार जेको बिल्कुल अर्थात कमिटर उद्देश्य स्पष्ट आभिमुख्य आगौंट कि जमी रत्नभंडार खोल तेणु जितेबाला कमिटी प्रस्ताव देव सरकार को प्रस्ताव प्रस्ताव को सरकार अनुमोदन कर सरकार कौन अनुमति दौर नजर रही है। अक्षय मिश्र आम सहित रोचा अक्षय एसओपी रहा कहु कि जेहेतु प्रारंभिक अवस्था अच्छी से संक्रांत में जनसाधारण को अवगत करना कि अनुमान करें रत्नभंडार केमी खोल किए किए रे तार गोटे संपूर्ण रूपरेख प्रस्तुत हो सारी देखु विभू जदि कह दुई घंटार बैठक एवं बैठक में विशेष भाव में गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति कि 14 तारीख दिन रत्नभंडार खोल बोली आज रत्नभंडार जांच कमिटर बैठक में यह स्पष्ट होती जार प्रोसेस जहाँ रही कि रत्नभंडार कमिटी यही को राज्य सरकार को पठेबे किभली ना श्रीमंदिर परिचालना कमिटी की प्रथम प्रोजेक्टा प्रस्ताव आज रत्नभंडार कमिटर प्रस्ताव परिचालना कमिटी को पठाजी परिचालना कमिटी यहाँ अनुमोदन कर राज्य सरकार को पठेबे राज्य सरकार ये जो डेट को फाइनाल करें अर्थात राज्य सरकार जब डेट सहित सहमति हे तेज 14 तारीख दिन खोल कि आज देखिए कि जस्टिस विश्वनाथ रथ जमी आज स्पष्ट भाव कहले कि रत्नभंडार खोल जेहेतु रथयात्रा समय जिला प्रशासन पाखे अधिक गुरुत्वपूर्ण कार्य रही तो जिलापाल एसपी एथ समय मागे कि समय निष्पत्ति नाप जो खोलार व्यवस्था है कि एक एसओपी प्रस्तुत होता 14 तारीख दिन राज्य सरकार एथ सहमति प्रकाश करती चाबी से ही चाबी मिलू बा न मिलू कि चाबी खोलिए रत्नभंडार जांच करेंगे कि सब बड़ कथा रत्नभंडार जो स्वर्ण अलंकार जहाँ हीरा मोती माणिक रही
ताकि गणति मणति करवा सबुठ बड़ चैलेंज कारण से विश्वासयोग्य लोक आणिकी जांच करने को पड़ो जो मानक सरकार भरोसा रोक कारण देखते ये अनेक जिनस रही अर्थात रत्न भंडार जो मणति तार जो पूर्व जो मूल्यायन होता कारण आज आम देखीचे कि आज बैठक में श्रीमंदिर जो सोजुनिया टीम सहित आहरी चार जन थे जो थे एसपी थे श्रीमंदिर कमांडर थे देउलकोण थे तड़ौकोण थे देउलकोण और तड़ौकोण से जो पूर्व गणतिर जो तथ्य गुड़िक आज देखते जस्टिस विश्वनाथ रथ निकट में दाखल करते अनुधान कर समस्ती आज से तथ्य गुड़िक अवगत करपष्ट होती कि जो गणति प्रक्रिया कर एक बहुत बड़ व्यापार कारण खाली एमिस सेमती गणति करदे हे ना से ही स्वतंत्र बणिया बर्तमान अच्छा कि नाई जो बणिया मैंने से हीरा नीला को मोती को चिन्ह पारे कारण से हीरार भैल्युएसन करने को भाई अभिज्ञता हीरा नीला अच्छी तार मान कौन से संपर्क में परीक्षा कर दिगरे तत्वावधान तदारख कर संक्रांत में प्रतिक्रिया आसूला तेणु जो समस्त मन में उत्साह उन्मोदना रही कि रत्न भंडार केबे खोलिबो केमिति खोलिबो वास्तव में से भितर अच्छी कौन ए तमाम प्रश्नर उत्तर हुए तो जब रत्न भंडार खोल जा सबकि स्पष्ट हो जाए सामना को आसी जाए तेणु 14 तारीख जितेबाद प्रस्ताव दि जाऊँगी ए दिन ए समय निश्चय एक गुरुत्वपूर्ण समय और राज्य सरकार से दिगरे कौन आभिमुख्य पोषण कर 14 तारीख में खोलने सतरे अनुमति दौंती कि समस्त नजर रिहू प्रसाद आम जमी जाचे जितेबाद रत्न भंडार खोल दुईट दिग उ चर्चा होता गोटे तो रत्न भंडार स्थिति कौन अच्छी क्यों जगार फाट अच्छी कि सुरक्षित अच्छी ना ना रत्न भंडार अंपटे रत्न अलंकार सब सुरक्षित अच्छी ना ना तार स्थिति कौन अच्छी ए दुईट दिगरे आम चर्चा करूँ और आज कमिटर बैठक पर अनुमान करे केवल रत्न भंडार सुरक्षा नुहे रत्न अलंकार कौन अच्छी तार गणति दिगरे जथेष गुरुत्व दि जाऊँगी तेणु आशा करें खूब शीघ्र ए दिगरे गोटे स्पष्ट चित्र आसीज निश्चित विभुरंजन जो कथा आप कहते दुईट दिग प्रथम गुरुत्व दि जाऊला जे रत्न भंडार खोल मुख्य मूल उद्देश्य हूँ भितर रत्न भंडार मरामति अपरिहार्य एक बारंबार एएसआई कही आसी श्रीमंदिर प्रशासन को कही हाइकोर्ट को कही सरकार को कही जो बरिष्ठ आधार में ही रत्न भंडार खोल को हाइकोर्ट प्रथम राज्य सरकार को गोटे कमिट करने निर्देश देते तेणु रत्न भंडार मरामति गोटे अपरिहार्य दिग तेणु रत्न भंडार मरामति कथा कहला बेलू को भितर रत्न भंडार जो कथ कहला स्ट्रक्चर कथ कहला भितर पानी गलुवा कथा एएसआई कहला तेणु रत्न भंडार मरामति के प्राथमिकता दिज्व कि आज जो आभिमुख्य जस्टिस विश्वनाथ नाथ जो आभिमुख्य कहे विभुरंजन से स्पष्ट प्रतीयमान हो गणति मणति से सामान गुरुत्व दे जो कथा कहते गणति मणती गोटे कमिटी कर जो बणिया मानक गोटे सिलेक्ट कमिटी कर अर्थात बछा बछा बणिया मान को नहीं गोटे कमिटी करेणु स्पष्ट कर अनुमति जहाँ जमापड़ी जे गोटे आज बैठक में सर्वसम्मति क्रमे जो निष्पत्ति निजाई जे जमी मरामति की गुरुत्व दिज्व अनुरूप भाव सेमती गणति मणति की गुरुत्व दिज्व तेणु रत्न भंडार खोलें ता भर जो रत्न अलंकार अच्छी तार निश्चित भाव गणति कौ अवस्था अच्छी तार अनुधान हो जो पूर्वर जो 1978 जो तालिका कराइला से तालिका को मेलक कर 1978 तालिका सहित रत्न भंडार बर्तमान जो गच्छित जो अलंकार मेल खाऊ कि नहीं विभुरंजन मुझे आपको गोटे सूचना देवा चाहेपे 1978 जिते रत्न भंडार खोल जाए अलंकार गणति करते जो तालिका थी से रत्न भंडार भितर 1231 ग्राम सुना अलंकार था भितर रत्न भंडार 1231 ग्राम सुना अलंकार था से भितर मोट 22153 ग्राम रूपा अलंकार था यह छड़ा आउ 14 ग्राम रूपा किंवा सुना अलंकार तालिका कर तेणु ये जो थिला कहला जो एतिक ग्राम जो सुना रूपा अलंकार अच्छी भितर आ मूल्यवान रत्न अलंकार अच्छी 1952 मसीह जदि आम देखा जो गणति कराइला 1952 रत्न बाहर भंडार भितर 150 प्रकार अलंकार अच्छी भितर भंडार में 180 प्रकार अलंकार अच्छी तेणु गोटे प्रकार अलंकार गोटे प्रकार भेद रही केते प्रकार केते डिजाइन अलंकार अच्छी आउ केते ओजन अलंकार अच्छी तेणु 1978 मसीह जो तालिका कराइला जो तालिका को तत्कालीन आईन मंत्री प्रताप जेना विधानसभा उपस्थापन करतान गोटे बड़ आधार बोली धरा जाऊँगी तेणु से ही आधार को लेकिन रत्न भंडार अलंकार बर्तमान जब खोले आउ रत्न भंडार अलंकार जब गणत हुए तो 1978 मसीह रिपोर्ट को आधार करेंगे कि 1952 मसीह रिपोर्ट को पुणा आधार करा गोटे बहुत बड़ प्रश्नवाची
तेणु निश्चित भाव आज जो बैठक कराला जो जस्टिस विश्वनाथ रथ जो आम प्रतिक्रिया शुणुले प्रतिक्रिय गोटे कथा अत्यंत सुस्पष्ट था पूरा स्पष्ट भाव से कहवाक चाहूँ जेकोसी भाव में मुहूर्त जेकोसी समय रत्नभंडार खोल जापे विगत किसी दशंधि है रत्नभंडार को नहीं रहस्य रही चर्चा होमती आप तथ्य दौले पखापाखि पांच दशंधि तले रत्नभंडार खोल जाता और बास्तव में से भितर जहाँ सब रत्न अलंकार ताबे सुरक्षित अच्छी ना तार अवस्था कौन से दिगरे अनेक प्रश्नवाची मध्य सृष्टि होउची तेणु यह नजर। कीकार्ड सर, गुड इवनिंग सर, योर रूम इज रेडी, विल यू बी पेइंग बाय कार और कैश? टाइल शो सर। AGL Tiles Premium का पप्पा जिला एवं वर्तमान कौन नुआ एसओपी रे कौन परिवर्तन होई पारे कौन आकलन करा जाई पारे देखु आज चाबी प्रसंग में जस्टिस विश्वनाथ रथ कहले कि चाबी जेहेतु जिलापाल आज दाखल करे ना तेणु से समय ने 14 तारीख दिन से चाबी एनी हाउ दाखल करेंगे जेकोसी मुहूर्त हो बोधवा से चाबी दाखल करेंगे कमिटी का 14 तारीख में चाबी दाखल कलापर से नहीं एसओपी प्रस्तुत करा कहले चाबी खोलू न खोलू किंतु से ताला भंगाजी ताला भांगिकी निश्चित भाव से रत्नभंडार गणति मणती प्रक्रिया हो सबु संवेदनशील प्रसंग है कारण आज बैठक में भंडार मेकअप रही थे और ता सहित देवलुकोण तड़कोण भंडार मेकअप जेहेतु संपूर्ण भाव में भंडार सहित से उत्तपोत भाव जड़ित से स्पष्ट भाव कही कि जेहेतु पूर्वर जो भंडार खोल जाता तार प्रसंग करते पूर्व जो मैंने भंडार खोली थे एवं जो भंडार मेकअप अच्छे जेहेतु सी केवल बाहर भंडार से दैनद चलप्रचल कर बाहर भंडार कौन कौन जिनस कहले कारण जेहेतु जहाँ कहले कि तीन प्रकार कैटेगरी हूँ रत्न भंडार रही गोटे हूँ बाहर भंडार में कैटेगरी दुई तीन और भितर भंडार में कैटेगरी एक अर्थात कैटेगरी एक रही जो गोटे दुर्मूल्य रत्नपत्र जहाँ एपर्तंत स्पष्ट होने वा खुलासा ही नहीं जहाँ बंद हो रही कि कैटेगरी दुई तीन जो अच्छी बाहर भंडार जोटा कि कैटेगरी दुई रिचुआस अच्छी जोगुड़ी फेस्टिव अकेजन कर सुनावेश आरिका जो फेस्टिव अकेजन से सब स्वर्ण अलंकार से कैटेगरी तीन हूँ प्रतिदिन महाप्रभु परिधान कर अलंकार सब तेणु निश्चित भाव भितर भंडार स्थिति बेस उद्वेगजनक अच्छी आज भंडार मेकअप निजे कहले पा गलुच भितरक भय लगुच किसी जगार उपर प्लास्टर खसुच तो नि तार मराम आवश्यक अच्छी तो निश्चित भाव बिल्कुल रत्नभंडार असुरक्षित अच्छी ए चर्चा तो पूर्व होता एएसआई पक्षर कहुला तेणु बर्तमान समय गुरुत्वपूर्ण जितेबाला सरकार रत्नभंडार खोल निष्पत्ति ने दिगरे कौन सब योजना व कौन सब प्रक्रिया आगक रोचे तापर आम नजर रिभू प्रसाद जमी अक्ष कहते कि केमी प्रकार के सुना गहना रही हीरा नीला रही उठस्तरी मसीह जितेबाला खोल जाता से समय बाहर कारीगर आसी चिह्नट करते गणति प्रक्रिया होता तेणु चलित थर रत्नभंडार खोल ठीक अच्छी किंतु रत्नभंडार सठिक गणना करिबा बा तारो क्वालिटी कौन मान परीक्षा करिबा ए सब दिगरे अनेक आह्वान आसिबो निश्चित अनेक आह्वान आसिबो कारण जेतेबेले कुहा जाउतला एएसआई पक्षर कुहा जाउची जे रत्नभंडार भितर कांथरु पानी गळुची तेणु निहाती पक्षे ता भितर रत्न अलंकार गुड़िक को परिस्थिति अच्छी केते सुरक्षित अच्छी ता गोटे आश्चर्य कथा और आज जो कथा अक्षय कहते आमको जो आज बैठक में भंडार मेक मैंने कहते भितर हूँ तो कौ परेश जावाई भय लगीपे तेणु यहाँ गोटे आह्वान कारण जितेबाला रत्नभंडार भितर को जीवाई जिते बड़े समस्त प्रक्रिया सर से सब प्रकार प्रिकसन नहीं कमिटी जो जो मैंने निर्दिष्ट भाव चयन करू रंजन आम जो कथ आप कहते आम 1978 मसीह जे रत्नभंडार को जाते तत्कालीन सहकारी प्रशासक रविनारायण मिश्र से आ ना स्वर्गवासी होगला आम गत वर्ष गोटे एक्सक्लूसीव इंटरव्यू करूँ स्वर्गत रविनारायण मिश्र आमको जहाँ कही शुणिले समस्त समस्त आश्चर्य होते से कही रत्नभंडार भितर से जिते जा 1978 मसीह ता भितर एत बड़ मुकुट देखी आखि झलसी जाता ये मुकुट कथ कहीं कहुपे से एक हमको कही अनेक हीरा लीला मोती माणिक भितर
ଥିଲା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିକୁ ଝଲସାଇ ଦେଇଥିଲା କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ବିଲକୁଲ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ଏମିତି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଅନେକ କଥା ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇନେବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ କମିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି 14 ତାରିଖ ଦିନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇପାରନ୍ତି କି ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରୁଛି କିନ୍ତୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ବାସ୍ତବରେ ଆକଳନ କରିବା ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବା ତାର ମାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏ ଦିଗରେ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ଆସିବ ଏବଂ କ'ଣ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କେମିତି ମୁକୁଟ ରହିଥିଲା ସେ ତଥ୍ୟ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି 1978 ଯେ ତତ୍କାଳୀନ ସହକାରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସହକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ରବିନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ 1978 ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ସେହି କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ତା ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁକୁଟ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେହି ମୁକୁଟ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ବିଭୁରଞ୍ଜନ ନା ସେ ତାଙ୍କ କହିବାର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ରାଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସେ ଅକ୍ତିଆର କରୁଥିଲେ ବିଜୟ କରୁଥିଲେ ସେହି ରାଜାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁକୁଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ପତ୍ର ଯେଉଁ ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ସେଠି ବହି ଆଣୁଥିଲେ ଆଉ ସେହିସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଭିତରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହୁଥିଲା ଏହି କଥା ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ତା ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ମୁକୁଟ ଅଛି 1118 ବର୍ଷ ତଳେ 1905 ମସିହାରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ସେହିସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଅଣାଯାଇଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ରଘୁନାଥ ବେଶ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ପରଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ସୁନା ବେଶରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇକରି ଅଳଙ୍କାର ଆଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଯାଇ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦାବି ଉଠୁଥିଲା ମଧ୍ୟ ଆମ ଠାକୁର ଯେହେତୁ ପୋଷାକ ପ୍ରିୟ ଆମ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଗହଣା ପ୍ରିୟ ତେଣୁ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଗହଣା ଅଳଙ୍କାର ଅଛି କାହିଁକି ଲଗାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ବେଶ ହେଉଛି ସୁନା ବେଶ ହେଉଛି ସେଠି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କାହିଁକି ଲାଗିବ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଅଳଙ୍କାର ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମରାମତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଥିବା ଅଳଙ୍କାର ତାଲିକା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶ ଲାଗିବାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ଯଦି ଏତେ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପାଖରେ ଏତେ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ତାହା ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ଲାଗି ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକି ସୁନା ବେଶରେ ଆମ ଠାକୁର ଆହୁରି ଝଟକିବେ ନାହିଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁ କଥା ତତ୍କାଳୀନ ସହକାରୀ ପ୍ରଶାସକ ସ୍ୱର୍ଗତ ରବିନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯେ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଶ୍ରିୟା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଭଳି ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଅଛି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ 2ଗାତ ଅଛି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବ ପଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ହୁଏତ ସେହି 2ଗାତ ପଟେ ସାପମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଯଦି ଧର୍ମୀୟ